नमस्कार दोस्तों, रेखा दास ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल रहेगा, तो अपने दोस्तों में भी मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो शुरू कर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ जो वीडियो शेयर करूंगी उसके फ़ायदे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया है 5-6 प्याज। प्याज हमें रेगुलर घर में कम ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और इनके छिलके को हम डस्टबिन में डाल देते हैं। तो आज हम प्याज के छिलकों से बनाएंगे एक टोनर। अगर आपको बाल झड़ने की समस्या है और बालों की लंबाई नहीं बढ़ती है तो आप इस टोनर को एक बार यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है आप सभी को फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो ऊपर वाला प्याज का छिलका है, ड्राई वाला, इसे हमें लेना है। अब एक महीना अगर इसे रेगुलर यूज़ करेंगे ना, तो इनके जो फ़ायदे हैं वो आपको खुद ब खुद ही दिखने लगेगा। तो देखिए, मैं इस तरीके से जो प्याज के ऊपर का स्किन है, बिल्कुल जो ड्राई हो चुके हैं ना, उसे ही हमें लेना है। देखिए, आप इसे बना के इकट्ठा रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 5-6 प्याज लिया है, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं। देखिए, मैंने सभी प्याज के स्किन को उतार लिया है और सिर्फ ड्राई वाला पार्ट ही लिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। हम कोई भी एक बर्तन ले लेंगे, इसमें हम डालेंगे एक ग्लास पानी। सिर्फ एक ग्लास हमें पानी डालना है, साथ ही हम यहाँ पे जो प्याज के छिलके हैं उसे डाल देंगे। 10 से 12 मिनट हम इसे लो मीडियम फ्लेम में अच्छे से बॉईल करेंगे। अच्छे से पहले मिला देंगे। दस मिनट के लिए हम इसे बॉईल होने देंगे। 10 से 12 मिनट हमने इसे बॉईल कर लिया है। देखिए, पानी भी आधा हो गया। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हम थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे। उसके बाद हम इसे छान के यूज़ करेंगे। तो पहले हम ठंडा कर लेते हैं। मैंने इसे छान लिया है और आप देख सकते हैं, एक गिलास पानी लिया था तो आधा गिलास हो गया। इसे हम अच्छे से ठंडा करेंगे, उसके बाद आप किसी भी बोतल में इसे भर के रख सकते हैं। बस जब कभी आपको नहाना हो, उसे एक घंटा पहले आप इसे हाथ में इस तरीके से लेके आपको पूरे बालों में, बालों के जड़ों तक अच्छे से इसको मालिश करना है, बस 5 मिनट के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप कम से कम इसे लगा के 2 घंटे रख के फिर आप शैम्पू या सर धो सकते हैं। और अगर ज़्यादा टाइम ना हो तो कम से कम आपको इसे 1 घंटे रखना है। आप इसे रेगुलर 1 महीना यूज़ करेंगे ना, तो आपको इसके फ़ायदे खुद ब खुद ही नज़र आएगा। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएंगे। तो इसे मैंने घर में ट्राई किया है, मैंने और मेरी बेटी ने, तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला, तो ही मैं आप लोगों के साथ इसे शेयर कर रही हूँ। तो आज का नुस्खा आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नए कोई वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चेहरे पे हमेशा स्माइल रखिएगा।